दोस्तों आज की कहानी है सासू माँ मुझे बड़ी नत और मंगलसूत्र चाहिए। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। नंदिनी का दूसरी बार रिश्ता पक्का हो गया था। घर में सभी बहुत खुश थे और सबसे ज्यादा खुश थी नंदिनी की माँ सौदामिनी जी। सौदामिनी जी को आज भी याद है जब नंदिनी का पहला रिश्ता टूट गया था, कितना रोई थी नंदिनी। आखिर होने वाला भावी पति जिसे नंदिनी प्रेम करने लगी थी, शादी के 2 महीने पहले ही पता चले कि वह किसी और को चाहता है तो रोना स्वाभाविक था नंदिनी का। आज फिर से नंदिनी को ऐसे खुश देखकर सौदामिनी जी बहुत खुश थी। लड़के का नाम अश्विन है, पैसे से इंजीनियर है और रिश्ते की पहल भी उनकी तरफ से ही थी। देखकर लगता है कि नंदिनी को बहुत खुश रखेगा। माँ सुनो तो नंदिनी की आवाज सुनकर सौदामिनी जी का ध्यान टूटा। हाँ बेटा बोल, कहाँ खो गई थी आप? मैंने 2 बार बुलाया तब सुना आपने। नंदिनी बोल, कुछ नहीं बेटा, तेरे लिए बहुत खुश हूँ आज। सौदामिनी जी ने नंदिनी के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा। अश्विन और नंदिनी फोन पर बातें करने लगे और धीरे धीरे करीब आ रहे थे। अश्विन के माताजी सुगंधा जी स्वभाव से थोड़ी कड़क मिजाज थी। उनका मानना था कि शादी में लेन देन का व्यवहार तो जम कर होना चाहिए और मन ही मन तगड़े दहेज की अपेक्षा लगाए बैठी थी। दोनों परिवारों ने मिलकर एक छोटी सी रिंग सेरेमनी की योजना बनाई जिसमें रीति रिवाज के अनुसार नंदिनी के माता पिता ने अश्विन को सोने की रिंग के साथ साथ एक सोने की चेन और हाथ का ब्रेसलेट दिया। अश्विन की माँ सुगंधा जी ये देखकर बड़ी खुश हुई और जब दोनों समझाना साथ में खाना खाने बैठी तब सुगंधा जी ने सौदामिनी जी से कहा, एक ही लड़का है हमारा, जो भी है सब उसी का है हमारे बाद। आपकी लड़की की तो किस्मत ही खुल गई। शादी में दहेज में आप एक कार और एक बाइक अरेंज कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। सौदामिनी जी सुनकर हकी बकी रह गई और घर आकर अपने पति मनोहर लाल जी को सारी बात बताई। जो नंदिनी ने सुन ली उसने तुरंत सगाई तोड़ने की बात कही। मुझे ऐसे घर में नहीं जाना जहां इतने लालसी लोग रहते हैं। सौदामिनी जी को ये सुनकर चिंता हो गई। वह बोली, बेटा
पहले से एक सगाई टूट चुकी है, तेरी अगर ये रिश्ता भी तोड़ दिया तो शायद कोई तीसरी बार तुझे नहीं अपनाएगा। तू तो जानती है इस दुनिया में सभी लोग औरत का ही कसूर निकालते हैं, मगर नंदिनी को फिक्र नहीं थी कि उसकी किस्मत की लकीरों में क्या लिखा है। वह गुस्से में थी, उसने सोच लिया था शायद ये रिश्ता टूटने के बाद उसे कोई ना अपनाए कोई बात नहीं, मगर सौदा मिनी जी के आंसुओं ने उसे ये कदम उठाने से रोक लिया। अगले दिन जब अश्विन का फोन आया तब उसने कहा, मैंने तुमको व्हाट्सएप किया है कुछ सोने के नथ और मंगलसूत्र के डिजाइन हैं जो हमारी तरफ से तुमको देने हैं, तुमको जो पसंद हो माँ से फोन पर बात करके उन्हें बता देना। नंदिनी ने जब डिजाइन खोलकर देखे तो सभी छोटी छोटी नत थी और मंगलसूत्र भी काफी हल्के थे। उसे एक तरकीब सूझी और उसने अपनी सासू माँ को फोन किया, माँ मुझे इसमें से कोई डिजाइन पसंद नहीं आया, मुझे बड़ी नत चाहिए। सासू माँ ने सिर्फ हम कहा और फोन रख दिया। अश्विन के ऑफिस से आने के बाद उन्होंने अश्विन को कहा, नंदिनी को समझा देना हमारे यहाँ ऐसे बहुए मुंह खोलकर सीधे नहीं मांगती, जो डिजाइन भेजी है उसी में से पसंद करनी पड़ती है, इससे बड़ी नत लेने की हमारी औकात नहीं। सो कि अश्विन नंदिनी को ना बोल कर उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था, वह अपनी माँ को मनाने लगा, माँ प्लीज इसकी इच्छा है तो बड़ी नत ले लेंगे, मगर सुगंधा जी ने कहा ना मतलब ना। अश्विन ने बुझे मन से नंदिनी को फोन किया और बोला, नंदिनी उसी में से एक डिजाइन पसंद कर लो। माँ ने कहा ऐसे बहुए मांगती नहीं है, नंदिनी तपाक से बोली और सासू माँ मांग सकती है ना, वह एक कार एक बाइक मांग सकती है हमसे और मैं एक नत अपनी मर्जी की नहीं मांग सकती। अश्विन को इस बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, उसे अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया और वह आकर बोला, माँ आपने मेरी कीमत लगाई है दहेज मांग कर, आप जानती हैं मुझे कितनी नफरत है दहेज मांगने से भी और देने वालों से भी, मैं आपको इस गलती के लिए कभी माफ नहीं करूंगी। सुगंधा जी को अपनी गलती का परिचित हुआ और उन्होंने अश्विन से माफी मांगी, माँ माफी मांगना है तो उन लोगों से मांगो जिनको आप चिंता में डाल आई हो। सुगंधा जी ने सौदा मिनी जी से कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं थोड़ी देर के लिए लालसी हो गई थी। अश्विन की माँ ने तो अपनी गलती
सुधार ली और नंदिनी ने भी उन्हें माफ कर दिया। मगर दोस्तों आज के जमाने में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो दहेज के नाम पर अपने बेटे की बोली लगाते हैं। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, मगर हो सके तो इस देश को दहेज मुक्त देश बनाइए, ताकि एक बेटी का पिता बेटी होने पर दुख ना मनाए।